नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबर की ओर। पहला ऐसा टूर्नामेंट जहां पर ना तो बैट होगा ना बल्ला होगा, लेकिन टूर्नामेंट बहुत ही शानदार होगा। यह है मछली टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब आपको फिशिंग टूर्नामेंट का आनंद मिलेगा। हम आपको बता दें कि डायरेक्टर अमित कश्यप एवं आमिर खान ने बताया कि कोलार डैम पर दिनांक 5 फरवरी को मछली टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से कई प्रतियोगी सम्मिलित होंगे और अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रकार के टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह टूर्नामेंट अपने आप में एक मिसाल है और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक भी आएंगे। अब हम आपको बता दें इस टूर्नामेंट में क्या होगा। इस टूर्नामेंट में मछलियों को अपने गल में फंसाना होगा और जितनी बड़ी मछली जिसके गल में फंसेगी उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो विनर है इनका 51,000 से लेकर 21,000, 11,000 ऐसे कई इनाम यहाँ पर रखे गए हैं। कैश प्राइस के साथ में लकी विनर को मछली मारने का संपूर्ण सम्मान दिया जाएगा एवं शील्ड ट्रॉफी एवं अन्य कई पुरस्कार मिलेंगे। अब देखना होगा कि आखिर ये प्राइस कौन जीतेगा। तो आइए इस मछली टूर्नामेंट का हम सब मिलकर आनंद लें और संडे को एंजॉय करें। पहले तो आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है आमिर खान और मैं भोपाल MP से हूँ और मेरी कंपनी का नाम है एंग्लर्स टैकल इंडिया, जिसको हम फिशिंग टैकल सप्लाई करते हैं ऑल इंडिया। ब्रांडेड टोटल सब ब्रांडेड आइटम हमारे मिल जाएगा आपको फिशिंग टैकल से रिलेटेड। जो भी मछली का शौक रखते हैं एक अच्छे लेवल पे शौकी सब सामान हमारा मिलता है। सर, आप टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं, इसका टूर्नामेंट क्या बिजनेस था? टूर्नामेंट का हमारा यही एक एम है कि फिशिंग जो होती है लोग सोचते हैं कि बहुत छोटे चीज़ होती है, बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, जबकि इसके टूर्नामेंट हो रहे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। बड़े लेवल पे बड़े से बड़े लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ एक शौक ही है अपने। वैसे हम टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जिसका नाम रखा है हमने राजा बोज फिशिंग टूर्नामेंट, जो 5 फरवरी को 2023 कोलार डैम पे रहेगा और उसमें पूरे हिंदुस्तान में पूरे ऑल इंडिया से सभी जगह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग हमारे पास 200-300 एंट्रीज रहेंगी पूरे बाहर की और पब्लिक हमारे पास कम से कम 500,000 लोग आएंगे देखने से, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। क्योंकि उसमें हम प्राइस भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए का प्राइस हम बांट रहे हैं। इसमें कैश प्राइस 80,000 रुपए है, बाकी हम फिशिंग टैकल का सामान दे रहे हैं उनको बहुत सारा, और जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पूरे रहने की व्यवस्था और डैम तक पहुँचाने की व्यवस्था, उनके खाने पीने सब चीज़ें हम कर रहे हैं उसके लिए। सर, हम एंट्री फीस की बात करें, एंट्री फीस रहेगी? एंट्री फीस में हमारी 1200 रुपये हम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम 1200 रुपये के अंदर आपको जितने पार्टिसिपेंट हमारे आएंगे उनको हम टूर्नामेंट की टी शर्ट देंगे बहुत अच्छी क्वालिटी की, साथ में कैप देंगे, फेस मास्क देंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता, उसके बाद दिन का लंच देंगे हम। उसके बाद जो बाहर से लोग जो आते हैं उनका पूरा होटल में रखने का पूरा इंतज़ाम रहेगा और भोपाल से कोलार डैम तक पहुँचने की पूरी जिम्मेदारी हमारी और वहाँ से वापस ला के छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी हमारी रहेगी। सर, कितने दिन का टूर्नामेंट रहेगा ये? टूर्नामेंट एक ही दिन का रहेगा। इसका टाइमिंग सुबह लगभग 8:30-9 बजे से रहेगा सुबह, तो दिन में 2 बजे चलेगा। उसके बाद फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो भी चीफ गेस्ट आएंगे वो अपनी स्पीच देंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर, दर्शकों में कुछ पास वगैरह सुविधा या सबके लिए निःशुल्क है? नहीं, दर्शकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई मतलब कुछ भी पैसा नहीं देना, आप कोई भी आ सकता है देखने के लिए। सर, ये डिफरेंट टूर्नामेंट हो रहा है, कैसा दिमाग में ख्याल आया कि इसका टूर्नामेंट होना चाहिए? टूर्नामेंट तो ये भोपाल में अपने MP में ऐसे हुए नहीं थे, 1-2 टूर्नामेंट हुए थे वो भी काफ़ी सक्सेस रहे थे, बट ये उससे ज़्यादा सक्सेस रहेगा क्योंकि इसमें पूरे ऑल इंडिया से सभी जगह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या होता था कि टूर्नामेंट तो पहले होते थे बट क्या लोग सोचते नहीं थे कि ये इतने बड़े हो सकता है, तो इसकी शुरुआत हमने करी है। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमित कश्यप जी, कोलार डैम के ऑनर हैं, उनके साथ मिलकर हमने वादा करा है उनसे कि हर 6 महीने में ऐसे टूर्नामेंट हम कराते रहेंगे कोलार डैम पे। सर, टूर्नामेंट कराने का क्या लक्ष्य है आपका? बस यही लक्ष्य है कि भोपाल में भी होता रहे ऐसा, और फिशिंग को एक जो नज़रिया जो लोग सोचते हैं, जिस नज़रिए देखते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है या ऐसा सोचते हैं लोग के बहुत बेकार काम है, बहुत फालतू काम है, वो ऐसा नहीं है। जबकि क्योंकि भी आजकल जो फिशिंग करता है उसको काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ती हैं उनको और काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो फिशिंग हुई है वो एक अलग ही लेवल की फिशिंग होती है। पहले के टाइम का क्या होता था कि लोगों लकड़ी की बंसी के अंदर डोल लपेटी और कहीं पर वो केचुआ लगा के आटा लगा कहीं बैठ गए, वैसा फिशिंग नहीं है, बिल्कुल आज को अलग ही लेवल पर है। इसमें रॉड्स रहती हैं, रील्स रहती हैं, पूरा सेटअप रहता है, 5-10 हज़ार रुपये का सामान रहता है एक इंसान के पास फिशिंग करने के लिए, और फिर वो अपने भोपाल से, जैसे भोपाल वाला है तो भोपाल से कम 200-250 किलोमीटर वो दूर जाते हैं फिशिंग करने के लिए, बड़े बड़े डैम्स में जाते हैं खेलने के लिए। और उसके साथ में उन सभी के आजकल ज़्यादातर यूट्यूब चैनल हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं, उससे एक अलग लेवल फिशिंग को दिया गया है आजकल के एंगलर के टाइम। सर, आपकी दुकान में हम आए, आप देखकर तमाम तरह के नए नए सामान उपलब्ध है, ये सामान कहाँ से मिलते हैं? जी, सामान तो भोपाल में और भी शॉप्स हैं बट
मैं जैसे 3-4 कंपनी का डीलर हूँ भोपाल का, तो ज़्यादातर ब्रांडेड सामान मेरे पास मिल जाएगा आपको, पूरे एमपी के अंदर बहुत कम जगह मिलता है तो मेरे पास मिल जाएगा। और मेरे पास से कुरियर फैसिलिटीज़ भी ऑल इंडिया की अवेलेबल है, पूरे इंडिया में सब जगह सामान भेजता हूँ मैं यहाँ से। थैंक यू। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें हेडलाइंस 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।